Assalamu alaikum and welcome to the third episode of Cricingif's coverage of Pakistan's tour of South Africa. And this time, I'm your host, Ahmed Naqvi, and my friend, Wasim Akram. And as a lot of commenters have said that I don't need to wear shorts on the show because it will be Wasim Bhai's beastie. So, Wasim Bhai, I hope you didn't mind. But I'm fine. I also wore a knicker. I changed my jeans. Kafi sansani khez match tha. Yes. Just straight away, what were your feelings at the end of it? Jab maine TV on kiya, unfortunately we were about 6 wickets down, 7 wickets down. 112 pe hi wo jo tha. So I thought, you know, it's over. Aur ek aadhi wicket gayi to main 125-130 pe out ho jayenge. But considering the way Hasan Ali played, jo usne shot mari wo bari gayi hai. So that shows ki usme actually agar concentrate kare तो बैटिंग अपने इम्प्रूव कर सकता है बिकॉज हर इनिंग ऐसे नहीं हो सकती इट वाज वन ऑफ जो करियर में होती है स्पेशली अगेंस्ट सच अ गुड टीम जब 200 कर दिया तो ऑब्वियसली यू नो कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया बॉलर्स को आ गया कि हम ये डिफेंड कर सकते हैं सो इट वाज अ गुड गेम दे फॉट वेल तीन विकेट ऊपर से शाहीन ले गया दूसरे फास्ट बॉलर्स ने कोई इतना चिप इन नहीं किया बिकॉज छोटे टोटल्स में चिप इन करना बड़ा जरूरी होती है हर एक बॉलर को अगर बॉलर मार नहीं खा रहा तो कम से कम वो कंटेन करे ताकि अगर आप डिफेंड करो छोटे टोटल तो दूसरे अटैक भी कर सको और डिफेंड भी कर सको बट 5 विकेटों के बाद आई थिंक वो आई मीन थोड़े लकी भी रहे हैं जो साउथ अफ्रीकन जो जिन पेयर ने मैच जिताया उनको इधर उधर ठाट ठूस खूस ऐसे ऐसे करते रहे हैं बट लगती नहीं है उनकी मगर उन्होंने रोका नहीं यू सी उन्होंने ब्लॉक नहीं किया अगर हम होते तो हम क्या करते हैं हम ब्लॉक करना शुरू कर देते ब्लॉक कर करके वही एवरेज 4 से हम 7 पहले जाके विकेट गिरती वही प्रेशर पड़ जाता सो आई थिंक दैट वॉज अ पॉजिटिव वे ऑफ साउथ अफ्रीका की टीम पॉजिटिव माइंड सेट से वो मैच जीती और 5वीं के बाद विकेट नहीं मिली आई थिंक तब थोड़ी सी जब 20-25 की पार्टनरशिप लगी ना तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी गिर गई थी तो वसीम भाई जब अक्सर एक चीज़ जो बड़ी जब आपके रिकॉर्ड्स पे देखते हैं कि यू नो जस्ट अ टेस्ट कैप्टनसी ऑलमोस्ट ऑल द मैचेस आर एंडिंग इन रिजल्ट्स यू नो कि यू हैव अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन हैव वन ऑफ द लोएस्ट ड्रॉ परसेंटेजेस इन पाकिस्तान हिस्ट्री हाउ वुड यू हैव डिफेंडेड अ टोटल लाइक दिस मतलब ये अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि 200 जैसा टोटल है 2019 में तो मतलब ये 20 ओवरों का टोटल है जी यू नो सो कमिंग इन विद द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक दैट सरफराज हैड लेट्स स्टार्ट विद द न्यू बॉल उसने फहीम और शाहीन को दी वाज दैट बीन योर चॉइस एज वेल फहीम नए गेंद से मैंने उसको स्विंग करते भी इतना देखा नहीं यू नो ही इज गॉट पेस और उसका वो एक जो नेचुरल एक जो होता है ना जो एक बॉलर में नजर आता है कि इसका स्टेन फॉर इंस्टेंस देख लें उसका पता है कि उसका आपने ठक करके ऐसे बाहर ही निकलना है इसका कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी जो मेरे ख्याल में है जो कि इस पर इसको काम करना पड़ेगा अभी यंग है बट एक एंड से आपको 3 विकटें जल्दी मिल गई दैट्स अ गुड स्टार्ट व्हेन यू डिफेंडिंग अ शॉर्ट टोटल 200 अगर टोटल आप इस तरह का कर रहे हैं तो इसमें कि अब 3 जब विकटें मिल जाती हैं ना तो फिर उसके बाद आप दो तरह की माइंड नया जो दोनों नए बैट्समैन हैं तो दोनों पे अटैक एक आधी बाउंड्री लगती है थोड़ा सा डिफेंड कर लेते हैं अगर पार्टनरशिप लगती है तो फिर आप थोड़ा डिफेंसिव के साथ थोड़ा अटैक भी करते हो वो क्या है फॉर इंस्टेंस डिफेंसिव का अटैक ये है कि आपने एक स्लिप रखी है स्क्वेयर लेग ऊपर है पॉइंट पीछे है थर्ड मैन पीछे है फाइन लेग पीछे है तो ताकि आप सिंगल भी दो मगर उस तरीके से बॉलर्स को फिर बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द पिच विद इन द विकेट्स करनी पड़ती है और विकेट ये नहीं कि पार्टनरशिप होता है आपको विकेटें लेनी पड़ती हैं वो कैसे ले सकते हैं आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है कि आप हर ओवर में दो दो चार चार स्कोर ना दो जबकि आप छोटा टोटल आप डिफेंड कर रहे हो सो पहला जो ऑब्वियसली 3 विकेटें तो शाहीन ने ले ली थी मगर जो पहला टेस्ट आया था मिलर आया था आफ्टर द फॉल ऑफ द सेकेंड विकेट लेफ्ट हैंडर मिलर केम इन नंबर 5 डिड ही 5 पे नहीं था आया जी सॉरी सो डुप्लेसी आता है और फिर मिलर आता है राइट सो सो मिलर इज अ लेफ्ट हैंडेड यू हैड एन ऑप्शन के हफीज के साथ डायरेक्ट चले जाएं एक ओवर वेट किया सरफराज ने फेयर कॉल या 5 विकेटें गिरी या 4 विकेटें गिरी हुई थी जब मिलर आया 3 विकेटें सॉरी तो उस वक्त जरूरत थी कि आपको एक आधी विकेट बिकॉज यही एक पार्टनरशिप थी उन्हें भी पता था और हमें भी पता था उसके बाद रबादा था जो कि हु कैन बैट बट अंडर प्रेशर 60-70 रन करने और चेस तो ज़रा मुश्किल हो जाता नंबर 8-9 के लिए तो आई थिंक वो ठीक चांस था मगर जब मैंने शादाब को भी देखा जब मिलर को इसने आउट किया जब वो उनका बैट्समैन आया लेफ्टी जो मैन ऑफ द मैच भी हुआ है उसको उसने लेग ब्रेक अच्छी की
निकला भी, बीट भी हुआ, इधर इनसाइड एज भी लगी, ये भी हुआ, मगर ऐसे यू नो मैं प्लान करता था. अब अनफॉर्चुनेटली सरफराज की बदकिस्मती है विकेट कीपर है. वो कीपर की यू नो वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड हैव अ चैट विद बॉलर एवरी डिलीवरी. वो करता तो तब भी वो पीछे से कर देता है. बट यू नो थोड़ा सा प्लान करना चाहिए, स्पेशली यंग बॉलर लाइक इवन मुशी के साथ, इवन सकलैन के साथ मेरी हर बॉल पे एक बात होती है. मिड ऑन पे खड़े होके या मिड ऑन ही तो मिड विकेट, अगर ऑफ स्पिनर है तो मैं मिड ऑफ में होता था एक्स्ट्रा कवर, वहाँ गेंद कम आनी होती थी. अगर लेग स्पिनर है तो मैं होता था मिड विकेट पे. देखो इतनी सेंस होनी चाहिए कप्तान को 32-33 के बाद कि मैंने कहाँ खड़ा होना है, ऊपर भी मगर जहाँ गेंद कम आए. ऑब्वियसली दैट्स कॉमन सेंस. आई थिंक मैं होता ना, मैं शादाब को कहते कि वो जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो शादाब पर नाउस नहीं कर सका नाम, मैं भी नहीं कर सक रहा, सो खाली सरफराज का कसूर नहीं है. क्या था फेलिक्वेयो को प्लान ये करना था कि वो हर गेंद या तो वो ऐसे कर रहा था या निकलने की कोशिश कर रहा था. एग्जैक्टली उसको चाहिए था कि इसने गुगलियां की, उसको मैं सिर्फ गुगली, उसको टर्न नहीं हुई, सीधी रही है. ऐसे बैट्समैन को जो निकलता है ना, इसको गुगली थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ी ऊंची करते हैं, वो रिस्क फैक्टर है बट उसमें विकेट लेने का चांस है. एज अ बॉलर आई वुड डेफिनेटली रिस्क लूंगा, बाउंड्री का रिस्क है और मुझे विकेट भी चांस है तो मैं डेफिनेटली रिस्क लूंगा, स्पेशली छोटा टोटल. और वो कंसिस्टेंट एक दो करनी चाहिए थी, बिकॉज वो एक्स्ट्रा कवर नहीं आपको मार रहा, वो जा ही इधर रहा था. या वो निकलता या वो खड़े हो जा रहा था, या वो ये मारता या वो निकलता. तो गुगली अगर थोड़ी ऑप्शन के बाहर थोड़ी थोड़ी सी ऊंची होती तो वो टर्न भी ज्यादा होती. आखिरी क्वेश्चन मेरा था कि ऑब्वियसली केन छोटा टोटल था, ही वाज बीइंग एज अग्रेसिव एज पॉसिबल. जो शायद एक तनकीद की जा सकती है कि शाहीन आफरीदी और शादाब ने एक साथ बॉलिंग नहीं कराई, यही आपके दो बॉलर्स थे जिन्होंने. बिल्कुल, और बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब छोटा टोटल आप डिफेंड कर रहे होते हैं ना, स्पेशली ये तो 202 तो ठीक ठाक था, हमने तो 140 45 32 65 किए हैं, मगर हमारी टीम ओवरऑल टीम बहुत अच्छी थी हमारी, देयर इज नो कंपैरिजन एरा टू एरा. मैं बात कर रहा था, आई फॉरगॉट कि मैं कहता था कि आप शाहीन और शादाब के साथ बॉलिंग नहीं कराई. छोटा टोटल जब डिफेंड कर रहे हो तो आप कप्तान की जेन में ये बात होनी चाहिए कि ये गेम 46वें ओवर तक नहीं जानी चाहिए. अगर इसे 47-46 ओवर तक चली गई तो समझो कि ऑलमोस्ट और दूसरी टीम मैच जीत गई है. आपको ये 40 के अंदर अंदर 6-7 से 8 विकेटें आपको लेनी पड़ती हैं ताकि बाकी एक दो प्रेशर डाल लो. तो जब पार्टनरशिप लगी तो उन पर प्रेशर भी पड़ता गया. वो देखें साउथ अफ्रीका पॉजिटिव खेलता रहा, वो घबराए नहीं, यू नो. और मैंने एक दो चीज़ें नोट की बॉलर्स की कि जब एक बैट्समैन पुल अच्छी करता है तो उसको आप क्या करते हो, उसको आप बाउंसर करते हो थोड़ा ऊंचा और ऑफ स्टंप के बाहर, बिकॉज आपके पास स्क्वेयर लेग है, आपके पास फाइन लेग है और वो तेज, वो विकेट स्लो थोड़ी है दुबई जैसी जो कि बिल्कुल ही घुटनों से ऊपर बॉल नहीं आएगा. तो उसको बाउंसर करो ऑफ स्टंप के बाहर, बिकॉज उसने पुल करनी करनी है. तो इन्होंने उनको किया पुल यहाँ इस साइड पर बाउंस किया, वो जिसने ठा ठा वो ऐसे ही मारता गया. सो ये चीज़ें, अब शाहीन तो चलो यंग है, बाकी दो तो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, थोड़ा बाउंस के लिए इनको थोड़ा सा बाउंस, एक बड़ा बाउंसर एक आर्ट है, स्पेशली जो बैट्समैन पुल और हुक करता है उसके लिए, कि उसको मैंने कहा उसकी हाइट क्या होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए. मैं ये पूछना चाहता कि आफरीदी और शादाब ने एक साथ बॉलिंग नहीं कराई, मतलब लेग स्पिनर पेसर इन दैट सिचुएशन, वाज दैट अ बिग ट्रिक मिस्ड? प्रोबेबली, बिकॉज मैं कोशिश करता कि मेरे मेन बॉलर्स के ओवर ख़त्म होते हैं तो हो जाए ताकि मुझे विकेट मिल जाए, बाद में काबू कर लेंगे. कई दफ़ा हुआ है, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली मैच याद नहीं आ रहा, कोई आ जाएगा, मैंने अपना ओवर 48 में ख़त्म कर दिया या वकार के भी करवा दिए, ताकि यू नो अगर हम डिफेंड कर रहे हैं ताकि हम विकटें ले लें, मैच हम जीतेंगे. अगर आखिरी ओवर तक चला गया तो मैच जीत ऑपोजिशन ले जाएगी. अगेन इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर दिस कैप्टन एंड फॉर दिस यंग साइड, बट आई थिंक दे फॉट बैक वेल ओवर एंड ऑल. आई थिंक आई मीन वही बात है कि आजकल की क्रिकेट में लगातार पाकिस्तान की टीम इतने छोटे टारगेट्स का मैच भी बना रही है, बहुत बड़ी बात है. या और एक और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, आप भी शायद देख रहे मैच कॉमेंट्री सुनी होगी, शॉर्ट बॉल्स का, जो हमारे बैट्समैन आउट हुए हैं. अब बड़ा मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ता रहता हूँ, सबके दे लव द क्रिकेट अभी पाकिस्तानी, सबके कॉमेंट्स थे उसकी. देखें ये कोई शॉर्ट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. आप कोई एक दिन में या दो दिन में बाउंसर खेलना या उसको छोड़ना आप सीख नहीं सकते, ये पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा. चलिए फर्स्ट क्लास पे आपने तेज़ विकटें बना दी, फिर बैट्समैन कंप्लेन करते हैं कि जी स्कोर नहीं हो रहा. अब फ्लैट बना देते हो, फिर आपके बैट्समैन जब बाहर जाते, जब आप दुबई शारजा ज़्यादा खेलते हैं, हम वहाँ की विकटें आपने देख ली, हमें बाउंसर होता ही नहीं. तो जब तक वहाँ की विकटें थोड़ी बेहतर नहीं होंगी दुबई शारजा की, जिसमें हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो हमारे वन डेज के हैं, जो वहाँ खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट,
तो वो इंटरनेशनल में एकदम टूर पे दो, आप दो हफ्ते पहले भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी टूर पे मोस्ट लोग तो पिछले महीने से है ना बैटिंग मतलब बाउंस से प्रॉब्लम तो हो रही है. सो अगर अब मैं नहीं ये चार, मैं नहीं कहता कि इन्हें दुबई में या शारजा में हरी विकेटें बनानी चाहिए, इतना तरह घास हो, ऐसी विकेट हो जहाँ थोड़ा सा बाउंस हो, हल्का हल्का घास हो, दूर दूर हो ताकि थोड़ा कैरी मिले और विकेट टूटे ना, तीसरे दूसरे दिन जाके बैटिंग विकेट हो ताकि बॉलर्स की स्किल काम में आए, तीसरे दिन और थोड़ी बैटिंग हो, तीसरे दिन शाम को थोड़ा टर्न करना शुरू हो और फिर टर्न हो. हम पहले दिन इतना था टर्न और साथ में घुटने किनो क्या उसे टखने से ऊपर बॉल नहीं आती, सो ये प्रॉब्लम्स तो होनी हमें ओवरसीज जाके. सीमा एक बात जो मैं चाह रहा था आप हमें थोड़ी सी आगाही दें कि ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑब्वियसली हम लोग तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं टी वी पर देख रहे होते हैं और मिकी आर्थर सरफराज काफ़ी आपको इमोशन दिखा रहे हैं, बट एज अ प्लेयर व्हेन योर आपकी टीम 112 पे आटे और 200 तक पहुंच जाती है, तो टॉक टू अस के बोथ फॉर द बैटिंग साइड हाउ दैट फील्स मगर ऑल्सो फ्रॉम बॉलिंग साइड जहां पे 200 का टारगेट तो बड़ा छोटा है बट आखिरी विकेट से 90 विकेट पे 90-50 की पार्टनरशिप, इट्स अ बिग डील. या हाउ डज दैट इंपैक्ट यू गोइंग आउट इनटू द सेकंड इनिंग्स? इट्स अ बड़ा कॉन्फिडेंस आता है बैट्समैनों को, आता है कि हम डिफेंड कर, हम फील्डिंग अच्छी करेंगे बिकॉज हमसे बैटिंग में हुआ नहीं है, बिकॉज वी गॉट समथिंग टू यू नो फाइट विथ, और बॉलर्स को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो एटलीस्ट हमारे पास टोटल है, ऊपर से 2-3 विकेटें मिल गई तो हम इन्हें पकड़ लेंगे. सो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जब ऐसा अच्छा यू नो. एंड फ्लिप पे इफ यू आर द कैप्टन जिसने 112 से 200 तक गया, यू स्टिल नो दैट मैच इज अंडर कंट्रोल, हाउ डू यू मोटिवेट द टीम? यू अकॉर्डिंग सिचुएशन अकॉर्डिंग द पिच यू से यार 200 आजकल के दौर में इट्स एक्चुअली doable. Just need one good partnership. Or that's all. Just play, wahi hua unke saath. Wahi hua. Just play normal cricket. Don't just bog down. Don't just go block. Play normal cricket and that's what they did. तो आप बात करते हैं एंडिल फेलिक्वेयो की जिनकी इनिंग्स मेरे ख्याल में ना ही सिर्फ बहुत ज़्यादा लकी थी और शुरू में काफ़ी दफ़ा वो आउट हो सकते थे, एक LBW जो I think सबको लग रहा था कि हॉकाई सो आउट होगा वो नहीं हुआ. Yeah, I know, I saw that. Yeah. और शायद उसी के बाद पाकिस्तानियों की भी जो आप बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज डिफ्लेट होने की, एज अ बॉलर या कैप्टन आप फेलिक्वेयो को कैसे टारगेट करते हैं, हाउ वुड वी हैव गॉटन हिम आउट? यार वो थोड़ा फुर्तीला सा प्लेयर लगा मुझे, बॉलिंग भी अच्छी किया उसने, सरफराज को उसने मैंने देखा अच्छे वाला सेट हुआ था, खड़ा खड़ा खेल गया, बोल्ड हो गया, फ्रंट फुट पर था तो वो रोक लेता गेम. फेलिक्वेयो आई थिंक मेरे ख्याल में फ्यूचर में अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा, फुर्तीला बड़ा है, ऑन यू नो मार भी रहा था, घबराया भी नहीं था हुआ, बट ऐसे बैट्समैन को आप कैसे आउट कर सकते हो, उस पर प्रेशर डाल सकते हो, उसको हिटे मारने दो, अपनी आप अपने स्लिप पे रखो, आपको आपको अपनी स्किल पे यकीन होना चाहिए कि अगर मैं होता फॉर इंस्टेंस मैं अपनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आई कैन पुट माई सेल्फ इन देयर प्लेस, अगर मैं होता शाहीन की जगह तो अब शाहीन को मैं कहता हूँ उसको बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है ऐसे बैट्समैन को जो थोड़ा सा यू नो वीक है या पुशी है लेफ्टी, तो हल्का से इसको मिडिल ऑफ से हल्का से इसको बार बार निकालता रहता है, एक आधा बाउंसर जरूर इसको देता, और बाउंसर निकलता उसी की तरफ करता, बाउंसर ये नहीं कि वो एक साइड पे किया, एक साइड पे निकला ना जो बैट्समैन तो उसी को फॉलो करना है आपने, अगर ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया तो उसको तो आराम से नजर आ जाएगा. सो आइडिया इज टू अनसेटल द बैट्समैन एंड दैट्स वेयर दे हैव टू प्रैक्टिस. अनसेटलिंग की बात हुई, एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ फेलिक्वेयो के साथ जो शायद उनको उसका अंदाज़ा नहीं हुआ, वो सरफराज कुछ जबान इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल यहाँ से शुरू करना चाहता है कि बड़े लोग कहते हैं कि जी वो हमारे प्लेयरों को पता नहीं है या ये ऐसा है वैसा है, यू've प्लेड विद क्रिकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और ख़ासतौर पर आप बड़ी यंग उम्र पर मुजांग से आपका ताल्लुक था, आप बाहर पूरी दुनिया देखी, सो हाउ ट्रू इज़ इट, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दैट जर्नी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, और मतलब कि सरफराज के लिए क्या नसीहत होगी? देखिए वेन यू आर यंग ऑन योर फर्स्ट टूर ऐसी गलती हो जाती है, उसके बाद भी होती है, बट आइडियाज टू लर्न, उससे सीखना चाहिए. देखिए सरफराज ने जिस उसकी जो सेंस में बात की थी वो सेंस हम सबको पता है कि वो इतनी वो नेगेटिव नहीं थी, बट अगेन सरफराज जिस जगह पे है इज़ अ रोल मॉडल फॉर द होल कंट्री एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड क्रिकेट इज काइंड ऑफ इन आवर ब्लड, everybody watches, everybody comments, everybody knows about it. So उसके साथ एक responsibility होती है, आपको पता होना चाहिए. हमें मुझे कप्तान था पता कि माइक हमारे तो हमारे माइक आगे थे कि माइक कहाँ पे है, माइक पे क्या कहना है और माइक से थोड़ा दूर जाके मैंने क्या कहना है, ये सब बातें हमें समझ होती थी, बट आई कैन इमेजिन अंडर प्रेशर उससे निकल गया. बट आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द पीपल कि हमारे दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे इसमें हैं, सोशल में तूने भी देखा होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे लिए नॉर्मल है हम ऐसी बात करते हैं, देवर राइट, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये एक इट्स नॉट राइट. आई एग्री विद बोथ ऑफ देम, बट अगेन कमिंग बैक टू सरफराज,
वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको करना पड़ेगा, मजाकन भी कहा या फ्रस्ट्रेशन से भी कहा, मगर ये उसकी जगह नहीं है बिल्कुल. बट यू नो ऐसे मौके पे ऐसे यू नो एक तो कप्तान वैसे गिरा हुआ, उसके पीछे हम सारे पड़े हुए, हटा दो. और फिर यू नो हमारे एक्स क्रिकेटर्स का थोड़ा बहुत होना चाहिए कि थोड़ी सी सपोर्ट इन अ वे कि सेंसिबल तरीके से सपोर्ट करिए. नहीं गलती हो तो उसे, जैसे मैंने कहा गलती की उसने, बट यू नो उसे गलती के साथ जस्ट मूव ऑन वट एवर जो पीसीबी आईसीसी करेगा दैट्स देयर जॉब. ओके सो बंच ऑफ क्वेश्चंस हमारे फैंस ने हमें भेजे थे. अब मैं अब्दुल्ला आरिफ का सवाल आपसे पूछता हूँ. वो कहते हैं कि क्या हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है हमारे क्रिकेटर्स को? या आजकल आई मीन आई कांट से कि उनको ज़रूरत है, पर आई सपोज दुनिया के हर स्पोर्ट्समैन, टॉप स्पोर्ट्समैन जो दुनिया के हैं, वो ये पर्सनली भी यूज़ करते हैं. जस्ट नॉट बिकॉज कि उनकी गेम इम्प्रूव हो, बिकॉज जो भी उनके क्वेश्चन मार्क्स हैं या डाउट्स हैं या यू नो जो भी प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल या टीम की, वो उसे डिस्कस कर सकें. और उसे एंड ऑफ द डे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, जो मैं बार बार कहता हूँ. उस कॉन्फिडेंस से आप जो भी आप ज़िंदगी में करते हो वो कॉन्फिडेंस उस पर नज़र आता है. बट अगेन इफ दे वॉन्ट इट पी सी बी आई प्रॉब्ली विल प्रोवाइड देम. बट आई थिंक द पहला स्टेप है कि यू हैव टू एडमिट कि यू नीड हेल्प एंड देन द हेल्प विल अराइव. आखिर में वसीम भाई, आपके ख्याल में अब जो अगला मैच है, 1-1 सीरीज है, पाकिस्तान probably should be confident going into this. How do you think the mood dressing room ka kya hoga? The three main players are back. I think Steyn is back, De Kock is back, aur ek aur naam main bhul gaya, they're back in the squad for this. I think they will be playing, so it'll be tough. Aur South African ye one day jeet ke thoda sa one sided nahi jeete, kahan one sided jeet rahe the, kahan partnership lagi, phir dobara wicketen giri, then dobara wo close match jeete. So obviously going into this game South Africans are definitely favorites. बट पाकिस्तान टीम को हैव टू बिलीव विद देमसेल्व्स. जस्ट बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़रूरी है. और कप्तान आई थिंक उसको अब झाल दो तो हो गए हमारे को, सरफराज को जी. उसके साथ थोड़ा सा उसे काम, आई सपोज दिस इज माई ओपिनियन और मेरी उसको एक नसीहत है कि अब टाइम के साथ बंदा थोड़ा एक्टिंग भी सीख ही जाता है. सो यू नो फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, बट ट्राई टू बी, बॉडी लैंग्वेज से बड़ा फ़र्क पड़ता है. सारे लड़के आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं टीम के जब आप गिरे हो, स्पेशली जब आप गिरे हो. So that was, thank you so much Wasim bhai. Thank you. और पाकिस्तान टीम के लिए obviously हमारा bias है, तो we'll wish them the best of luck. और as always अगले मैच के बाद भी we'll be here talking about it. So stay tuned to Cricingif and do make sure to like, share and comment on this video. Thank you.